आज मैं पढ़ना है भाई मधुमक्खियों का जीवन चक्र। मधुमक्खी अपनी संतान को कैसे उत्पन्न करती है, है ना, वो जनन कब करते हैं, जनन का समय कैसे होता है, वो कितने अंडे देती हैं, कितने प्रकार के अंडे देती है, उनका अंडा डेवलप कैसे होता है, नई मधुमक्खी की उत्पत्ति कैसे होती है, समझ रहे हो ना। ये हम लोगों से, मनुष्यों से कहीं ज़्यादा इनका डिफरेंट होता है। इनमें होता क्या है पहले समझ जाते हैं। मक्खी जनन, है ना, मक्खी में जनन कब होता है, किस समय जनन होता है, जनन ये करती कैसे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो समझिए, ठीक है, आप देखिए, जो जनन करती है, मक्खी की बात हम कर रहे हैं, जो मक्खियां होती है ये गर्मी के मौसम में ज्यादातर उड़ती हैं। याद रखिएगा, मक्खी में कैसे जनन होता है, जनन ऋतु कौन सी होती है, गर्मी के मौसम में। एक मादा मक्खी जिसको रानी मक्खी कहा जाता है, आगे हम पढ़ेंगे रानी मक्खी का निर्माण कैसे होता है। एक रानी मक्खी कई सारे नर मक्खियों के साथ छत्ते से बाहर जाती है। एक रानी मक्खी, याद रखिएगा, एक छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होगी, मतलब पूरा छत्ता होगा, एक रानी मक्खी होगी और कई सारे श्रमिक मक्खियां और नर मक्खियां होती हैं। जैसे कैसे वो बनती हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उस छत्ते से एक मादा मक्खी और बाकी नर मक्खी उड़ते हैं, जो आगे चल के क्या होता है, जिनमें जनन होता है, और नर मक्खी वहीं मर जाता है। एक नर जिसके साथ जनन होता है, या यूं कहे जिसके साथ शादी होती है, वो मर जाता है। जनन जिस मक्खी के साथ होता है, वो मक्खी छत्ते पे वापस दोबारा नहीं आता, वो मर जाता है जनन के दौरान, और मादा मक्खी फिर दोबारा उस छत्ते में क्या करती है, वापस आती है। समझते हैं पॉइंट को, मक्खा क्या बोलते, छत्ता थोड़ा गड़बड़ है भाई। हाँ, मक्खा वही जल्दी समझ जा रहा बेटा, जो जरूरी वो नहीं समझोगे, ठीक है। अब क्या होता है, इस छत्ते में दोबारा वो मक्खी वापस आती है, कौन सी मक्खी, रानी मक्खी, ठीक है, वो दोबारा वापस आती है। अब वो अंडे देती है, जो रानी मक्खी आती है वापस, समझ में आ रही है बात को, जनन के लिए वो छत्ते से बाहर जाती है, किसके साथ, कई मक्खी के साथ, लेकिन वो नर मक्खी होते हैं, मादा एक मक्खी होती है जिसको रानी मक्खी कहा जाता है, वो बाहर जाती है, जनन के बाद वो फिर वापस आती है, और वो तीन अंडे देती है, वो तीन तरह के अंडे देती है, ठीक है। कौन कौन से अंडे देती है, तो पहले समझे, अंडे दे देती है, कैसे वो बनते हैं अंडे तो बाद में समझते हैं, ठीक है। अब रानी मक्खी क्या करती है भाई, अंडे देती है, ठीक है। अब जब अंडे देने के बाद जो श्रमिक मक्खी होती है, उनमें श्रमिक मक्खियां होती हैं, वो एक एक अंडे को उठा के एक एक कोष्ठक में रखने लगती है, ठीक है। श्रमिक मक्खियां, मजदूर मक्खियां जो होती है, मैंने आपको बताया कि एक छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होगी, बाकी श्रमिक मक्खियां होंगी, समझ रहे हैं बात को। श्रमिक का मतलब मजदूर वाली मक्खियां। अब ये मक्खियां क्या होती हैं, अब जो जब ये मधुमक्खी अंडे दे देती है, कौन सी, रानी मक्खी जब अंडे देती है, तो श्रमिक मक्खियां उस अंडे को उठा के एक एक कोष्ठक, छत्ता देखा है ना आपने, नहीं, छोटा 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 बहुत सफेद सफेद दिखता है, जब कभी छत्ता उतारते हैं तो वो क्या रहता है, वो अंडा रहता है, क्या रहता है, अंडा रहता है। उसको उठा के रखने का काम, उन अंडों को उठा के रखने का काम कौन करता है, श्रमिक मक्खियां। वो श्रमिक मक्खियां उन अंडों को उठा के एक कोष्ठक में एक अंडा रखा जाता है, एक कोष्ठक में एक अंडे को कौन रखता है, श्रमिक मक्खियां रखती हैं, और रानी मक्खी दो प्रकार के अंडे देती है। आप समझते हैं, रानी मक्खी गर्मी के मौसम में उड़ती है और क्या करती है, जनन के बाद आती है और अंडे देती है, उन अंडों को कौन, भाई देखिए ये सबसे बहुत जरूरी पॉइंट है आपका, ठीक है, याद कर लोगे तो बहुत बेटर है। अब मक्खी वापस आती है, अंडे देती है, तो श्रमिक मक्खी उन अंडों को उठा उठा के एक कोष्ठक में एक अंडे को रखती है, और रानी मक्खी दो प्रकार के अंडे देती है, एक वह अंडा होता है जो द्विगुणित होता है, जो नर मक्खी से मिलकर बना हुआ होता है, किससे, नर मक्खी मतलब, नर मक्खी मतलब इसका मादा का अंडाणु जैसे होता था पुरुष में, पुरुष में क्या होता था, शुक्राणु अंडाणु, दोनों मिलने के बाद जब मिल गए तो उसे क्या बोलते थे, द्विगुणित बोलते थे ना, द्विगुणित निषेचित, निषेचित अंडा, एक अंडा होता था निषेचित वाला, उस निषेचित अंडे से कौन कौन बनता था, रानी मक्खी बनती थी और श्रमिक मक्खी बनती थी, और जो दूसरा अंडा वो देती थी वो क्या होता था, अनिषेचित अगुणित अंडा देती थी, जिससे कौन बनता था, नर मक्खी बनती थी। बात समझ में आ गई, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, समझो फिर से समझ दो। गर्मी के मौसम में मक्खियाँ उड़ती हैं, जनन करने के बाद मादा मक्खी वापस आती है,
कई सारे नर मक्खी भी उड़ते हैं, मादा भी उड़ती है, लेकिन जनन के बाद मादा वापस आती है और अंडे देती है। उन अंडों को श्रमिक मक्खियां उठा के एक एक कोष्ठकों में रखती है। मादा मक्खी दो प्रकार के अंडे देती है, रानी मक्खी जो होती है वो दो प्रकार के अंडे देती है। एक होता है द्विगुणित निषेचित अंडा, मतलब एक अंडा जो निषेचित होता है जिसमें नर मादा दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, उस अंडे से किसका निर्माण होता है? रानी मक्खी का और श्रमिक मक्खी का। और दूसरे से किसका होता है भाई? अनिषेचित अगुणित अंडे से किसका निर्माण होता है? किस नर मक्खी का निर्माण होता है। आगे समझते हैं। अब छत्ते में इन तीनों का निर्माण होता रहता है। इन तीनों मक्खी का मतलब रानी मक्खी, श्रमिक मक्खी और नर मक्खी, तीनों का निर्माण होता रहता है। यहां मैंने लिखा है श्रमिक मक्खी में कितना होता है? 21 भ्रूणीय परिवर्धन होता है। यह याद रखिएगा, नर मक्खी में 14 भ्रूणीय परिवर्धन होता है, जबकि रानी मक्खी में कितना होता है? 16 भ्रूणीय परिवर्धन होता है। अब इसके बाद क्या होता है? प्रत्येक अंडे से 3 दिन के बाद, प्रत्येक अंडे से कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद, जब उन्हें कोष्ठकों में रख दिया जाता है तो 3 दिन के बाद उससे छोटे छोटे क्या निकलते हैं? बच्चे निकलते हैं। क्या निकलते हैं? छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। उन सभी बच्चों को क्या पिलाया जाता है भाई? शाही जेली दिया जाता है सभी को। शाही मतलब समझते हैं ना, शाही पनीर, शाही है ना, शाही तलवार लाइए, मतलब राजा वाला जो खानदानी। तो उन सबको जब अंडा, ये अंडा जब बच्चा निकल गया इस अंडे से, तो सभी बच्चों को क्या किया जाता है? 2 दिन तक तो पहले तो मजबूत से एकदम पियो। क्या पियोगे? शाही जेली। शाही जेली किसकी बनी हुई होती है? तो पराग से बनी हुई होती है। और वो रस जो होता है ना, अरे भाई फूलों का जो रस होता है उससे बढ़िया एकदम भाई, जो शहद आप खाते हो, हम अपने बच्चे को किसका शहद पिलाते हैं? कौन सी कंपनी शहद बनता है? मधुमक्खी बेचारी तरी मैंने से ढूंढ ढूंढ के लाई है, उसको पिला पिला के एकदम बढ़िया था। अपने बाबू को एकदम, मेरा लाला है, लाला है, लाला लेके दूसरे के लालक मार के अपने लालक पिलाया जा रहा है। अगर नहीं तो शहद खिलाया जाता है। तो वैसे ही जब ये अंडा फूट जाता है, जब इससे बच्चे निकल जाते हैं, तो उन्हें क्या किया जाता है? क्या दिया जाता है? शाही जेली दिया जाता है, जो किससे बना होता है? पराग से बना होता है। आप समझो, 3 दिन तो सबको बराबर दिया गया, ठीक है, आराम से सबको पिलाया गया। अब इसके बाद जैसे मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 3 दिन तक सबको बराबर देंगे। क्या देंगे भाई? शाही जेली, खाना है ये उनका। 3 दिन तक सबको देंगे, इसके बाद खाना धीरे धीरे क्या किया जाएगा? बंद किया जाएगा। क्या किया जाएगा? खाना बंद किया जाएगा। तब केवल किसको मिलेगा? केवल जो रानी मक्खी होगी, जो रानी मक्खी वाला, जो रानी मक्खी बनने के लायक होगी, उसे शाही जेली दिया जाएगा, बाकी को नहीं दिया जाएगा। समझ रहे? मतलब उनको रस दे दिया जाएगा, लेकिन शाही जेली तब केवल किसको दिया जाएगा? रानी मक्खी को दिया जाएगा शाही जेली। बाकी सबको 3 दिन तक आराम से खिलाते हैं, 3 दिन तक सब शाही, सब रानी या मक्खी रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो 3 दिन के बाद पता चल जाता है, लक्षण दिखने लगता है कि ये रानी मक्खी के लायक है कि नहीं, है कि नहीं, तो फिर जो रानी मक्खी होती है उसके बाद रानी मक्खी को क्या करने लगते हैं भाई? शाही जेली रानी मक्खी को देने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे वो लार्वा वृद्धि करता है, धीरे धीरे ये विकास करके क्या बनाते हैं? प्यूपा बनाते हैं। याद रखना, एक वर्ड पूछा जाता है, प्यूपा किसे कहते हैं? तो जो अंडे होते हैं आगे विकसित होकर शिशु बनते हैं, जो आगे और वृद्धि करके किसका निर्माण करते हैं? प्यूपा का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं भाई? प्यूपा का निर्माण करते हैं। और यही प्यूपा आगे चल के एक पूर्ण मक्खी के रूप में क्या करता है? विकास करता है। समझ गए? आगे चल के यही प्यूपा आगे चल के एक मक्खी बनता है, और आगे बाद में श्रमिक मक्खियां क्या करती है? उन कोष्ठकों को भाप कोकस से ढक देती है। बाद में फिर क्या होता है? अब एक रानी मक्खी बन गई, बाद में इनको भोजन वोजन दे के, भोजन दे के इस जो कोष्ठक होते हैं इनको श्रमिक मक्खियां क्या करती हैं? क्या करती भाई? ढक देती हैं। क्या करती हैं? ढक देती हैं। क्या करती हैं? ढक देती हैं पूरी तरह से इनको श्रमिक मक्खियां। क्या करती हैं? ढक देती हैं। और ढकने के बाद यहां से क्या करती हैं? उड़ जाती हैं। समझ रहे हो? अब उड़ जाती हैं तो आपको मालूम है कि एक छत्ते में कितनी रानी मक्खियां होती हैं? एक। यहां एक रानी मक्खी का निर्माण हो गया। जब ये क्या थे?
भाई ये क्या थे, जब ये अंडे थे आगे चल के जब ये शिशु बने तो इन्हें शाही जेली सबको दिया गया, लेकिन फिर बाद में सबका भोजन क्या किया गया, धीरे धीरे कम कर दिया गया, लेकिन रानी मक्खी को, जो रानी मक्खी के लक्षण जिसके अंदर थे, उसे क्या दिया गया, शाही जेली दिया गया। फिर जैसे ही वो प्यूपा बने, उन्हें क्या किया जाता था, उनके सबके कोष्ठकों को क्या किया जाता था, ढक दिया जाता था कोकून से, हल्के हल्के धागे जैसी संरचना देखते हैं ना उसमें दिखता है, उसे ढक देते हैं, और ढक के सारी मक्खियां क्या होती हैं, उड़ जाती है। फिर आगे क्या होता है कि जैसे जैसे ये मक्खियां बड़ी होती हैं, इसके अंदर भोजन ले लेके धीरे धीरे क्या होती है, उन्हें की ऋषि को खा खा के वो बड़ी होती है, और बड़ी होने के बाद फिर क्या होता है, फिर एक रानी मक्खी एक नर मक्खी के साथ फिर उड़ेगी, समझ रहे हो, कई सारे नर मक्खी के साथ फिर उड़ेगी, फिर जनन होगा, फिर एक नए छत्ते का निर्माण होगा, फिर वो अंडे देंगे, समझ रहे हैं, ऐसे ये जनन करते रहते हैं। क्योंकि अब देखिए एक रानी का निर्माण हो गया ना, अब एक छत्ते में एक रानी मक्खी भी हो गई, और अब इसमें से कुछ श्रमिक मक्खी होंगे, है ना, कुछ नर बनेंगे, क्योंकि मक्खी दो प्रकार के अंडे देती है, तो कुछ नर बनेंगे और कुछ मादा बनेंगे। पॉइंट समझ में आ गया, फिर से समझ लीजिए सरसरी निगाह से क्या होता है। अब समझते हैं मक्खियों में जनन चक्र, मक्खियां जनन कैसे करती हैं, तो कुछ नर मक्खियां जो होती हैं, एक मादा मक्खी कई नर मक्खी के साथ उड़ती है, और जनन के बाद वापस अपने, याद रखिएगा कि जनन के दौरान वह कौन सा जीव है जिसमें जनन के दौरान नर मर जाता है, तो याद रखिएगा मक्खी में जनन के बाद नर मर जाता है, वो किसमें मरता है, मक्खी में। एक नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन, ठीक है, जनन के दौरान नर मर जाता है, मक्खियों में ऐसा पाया जाता है, मधुमक्खियों में ऐसा पाया जाता है, ठीक है। अब गर्मी के मौसम में पूछेगा कि जो मधुमक्खियां होती हैं इनका जनन ऋतु कब होता है, तो कब होता है, गर्मी के मौसम में। कैसे होता है ये मैं बता चुका हूं कि एक मादा मक्खी बाकी सभी नर मक्खी, ठीक है, उसके बाद वो वापस आती है, अंडे देती है, और जो श्रमिक मक्खियां होती हैं उन अंडों को उठा के एक कोष्ठक में एक अंडे को रखती है, ठीक है, एक कोष्ठक में क्या करती है, एक अंडे को रखती है। और मधुमक्खी जो कितने अंडे देती है, दो तरह के अंडे देती है, एक होता है निषेचित द्विगुणित अंडा और दूसरा होता है अनिषेचित अगुणित अंडा। निषेचित द्विगुणित अंडे से किसका निर्माण होता है, रानी मक्खी का और श्रमिक मक्खी का, जबकि अनिषेचित अगुणित अंडे से किसका निर्माण होता है, नर मक्खी का निर्माण होता है। अब आगे क्या होता है, जो श्रमिक मक्खी होती है उसका भ्रूणी परिवर्धन कितने दिन का होता है, 21 दिन का होता है। नर मक्खी का कितने दिन का होता है, 14 दिन का होता है। और रानी मक्खी का भ्रूणी परिवर्धन कितने दिन का होता है भाई, 16 दिन का होता है। अब यहां तक तो काम खत्म, इसके बाद फिर क्या होता है, अब रानी मक्खी एक कोष्ठक में एक क्या कर, श्रमिक मक्खियां एक कोष्ठक में किसको उठा उठा के रखती हैं, एक एक अंडे को एक एक कोष्ठक में उठा उठा के क्या करती हैं, रखती हैं। दो मिनट रुक जाइए, मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है, एक कोष्ठक में एक एक अंडे को उठा के रखती हैं। अब एक एक अंडे को रख दिया, अब 3 दिन के बाद, ठीक है, अब इन अंडों से धीरे धीरे क्या निकलेंगे, शिशु निकलेंगे। अब फिर श्रमिक मक्खियां इन शिशुओं को क्या खिलाती हैं, शाही जेली खिलाती, रुक जाओ भाई 2 मिनट, है ना, क्या खिलाती हैं, शाही जेली खिलाती हैं, लेकिन सबको शाही जेली एक साथ सभी अंडों को दिया जाता था, सभी जो शिशु बने गए ना अब सबको दिया जाता था, लेकिन रानी मक्खी को क्या किया जाता, सबको धीरे धीरे कम कर दिया जाता, लेकिन रानी मक्खी को बराबर दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है, अब श्रमिक मक्खियां इन कोष्ठकों को क्या कर देंगी, कोकून से ढक देती हैं, ढक के छत्ते को छोड़ के उड़ जाती है, ठीक है, अब उड़ जाती है, तो फिर बाद में जब ये बड़े होते हैं, ये जो अंडे जो प्यूपा थे भाई, यही तो आगे पढ़ा ना हमने, वो शिशु आगे चल के क्या बनाते थे, प्यूपा बनाते थे, उन्हें प्यूपा बोला जाता है। आगे चल के ये जब आगे ये निकलेंगे तो ये कोकून को काट काट के बाहर आएंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर भोजन के लिए, रानी मक्खी के भोजन के लिए फिर उड़ेंगे, यहां उस फूल पे, इस फूल पे, उस फूल पे। रानी मक्खी कहीं नहीं जाती, याद रखिएगा, केवल वो जनन के लिए एक बार बाहर जाती है और आके अंडे देती है, बस फिर उड़ जाती है वो, समझ रहे हैं। अब यहां रानी मक्खी, अब सब ये उड़ के जाएंगे, अलग अलग फूलों से शहद लाएंगे, रानी मक्खी उसे खाएगी, कुछ दिन के बाद फिर जब गर्मी का मौसम आएगा फिर रानी मक्खी उड़ेगी, है ना, फिर आके अंडे देगी, तो फिर ये बाकी सब उड़ जाएंगे। एक याद रखिएगा, एक छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होगी, ठीक है, समझ में आ गया, ये आपका बहुत जरूरी है। बेस्ट ऑफ लक, मेहनत से पढ़िए, जाइए आप लोग।